हेलो किसान भाइयों, आज हम आए हैं जालना जिले में और बहुत से किसान भाइयों का मैं देखता हूं कि दिक्कत आ रहा है कुछ को मोबाइल स्टार्टर पे। आप मोबाइल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसा मोबाइल पे मोटर ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूं जो काफी सरल तरीके से आपको समझ में आए। ये जो जीके एनर्जी है, इसको आपको मोबाइल के ऊपर कैसे ऑपरेट करना है। अभी देखेंगे, अभी इधर पानी का है और इसमें अभी इसमें आपको कार्ड लगा देना है, कौन सा भी कंपनी का आपके एरिया में जो नेटवर्क अच्छा मिले। तो इसमें एयरटेल का कार्ड लगा है और एयरटेल का कार्ड लगवा दिया है और ये जीपीएस उसका एंटीना है। तो सबसे पहली बात, आपको मैं जो नंबर बताऊंगा उस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप में इस नंबर को सेव कर लेना है। ये जो नंबर बता रहा हूं 7378411123, ये नंबर सेव कर लेना दोस्तों। ये नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप में इसको सेव कर लेना है और सेव करने के बाद में ये नंबर को आपको क्या करना है, ये जो फीचर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो पैनल के बैक साइड में, ये पैनल के बैक साइड में जो पट्टी लगी है, इसका आपको फोटोग्राफ निकाल लेना है। इसका फोटोग्राफ निकाल के इसमें कस्टमर आईडी सीरियल नंबर रहता है, तो इसको आपको ये नंबर पे जो मैं बताया हूँ, इस नंबर पे आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना है और जिला कौन सा है जिसके नाम के ऊपर ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस सोलर का पैनल का आपने जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन किया है उनका नाम डालना है और जिस नंबर को आपको इस पे ऑन ऑफ करना चाहते हैं, जैसा कोई भी अलग नंबर हो उस पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। तो वो नंबर भेजने के बाद में उसी फोन से इसका ऑन ऑफ होगा। तो मैसेज भेजा हुआ दिखाऊंगा मैं कस्टमर का। तो अभी लॉक खोल लेता हूं और लॉक खोलने के बाद में ये नंबर हमने सेव कर लिया है, जैसा अभी मैसेज में दिखाता हूँ व्हाट्सएप का। तो ये देख सकते हैं हमने इसमें नंबर सेव कर लिया है और इसके बाद में जीके एनर्जी का जो नंबर हमने सेव किया है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये नंबर सेव करने के बाद में आपको नाम और आपका गांव जिला और जो नंबर है फोन नंबर ऐसा नीचे लिख लेना है। देख सकते हैं हमने राहुल वसंत देशमुख एट पाचन वड़गांव डिस्ट्रिक्ट जालना, तो इनका तालुका जिला भी जालना ही है, तो हमने इसमें सेव कर लिया है। और दोस्तों आपको अपना नाम पता डालना है और जिसके नाम के ऊपर जिसका ये रजिस्ट्रेशन है इस सोलर का, उसी का नंबर डालना है और इसके बाद में उधर से आपको मैसेज आएगा फॉर थैंक यू फॉर कनेक्टिंग KGMPL, प्लीज अप टू यू कैन हेल्प यू। तो आपको नीचे इस तरह का फोटो भेजना है, ये देख सकते हैं। इस मोबाइल का ब्राइटनेस थोड़ा कम है तो इसके वजह से आपको दिक्कत आ रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। इस तरह का आपको ये जो फोटो भेजा है ये इस जगह से लिया है दोस्तों, इसका फोटो आपको निकाल के इस व्हाट्सएप पे भेजना है और फिर उधर से आपको लिख के आएगा आप कि मोबाइल ऑपरेटिंग करना चाहते हैं आप, ये सर्वे होगा तो आपको यस लिख के भेज देना है और यस लिख के भेजने के बाद में आपको जो लिंक आएगा ये प्ले स्टोर पे जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करेगा, उधर से लिंक आएगा उसको ओपन करना है और ये लेके चले जाएगा आपको जीके एनर्जी के एप्लीकेशन में। तो जीके एनर्जी के एप्लीकेशन में जाने के बाद में आपको इसको ओपन करना है, देख सकते हैं अभी जीके एनर्जी को हमने ओपन किया है और देख सकते हैं जीके एनर्जी ओपन हो चुका है और इसमें देख सकते हैं मैं बैक साइड चले जाता हूं और इसमें दो सिस्टम आएगा आपको, जैसा अभी इसमें मोटर ऑफ है और ऑन है। तो ऑफ देख सकते हैं, मैं मोटर ऑन करूंगा तो ये मोटर चलने लग जाएगा। अभी देख सकते हैं मोटर ऑन पे मैं टैप करता हूं, थोड़ा समय लेता है, नेटवर्क भी चाहिए आपका, इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अभी देखो मोटर बंद है फिलहाल, अभी देखेंगे तो मोटर चलने लग जाएगा। वो देख सकते हैं मोटर चलने लग गया दोस्तों, ये देख सकते हैं ये मोटर चलने लग गया, देख सकते हैं दोस्तों। अभी मैं इसको ऑफ करूंगा दोस्तों, किसान भाइयों मैं इसे ऑफ करने जा रहा हूं और इसमें आपको यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, कोई एक्टिवेशन बताता नहीं है और मैं अब इसे ऑफ कर दूंगा दोस्तों, ये देखना टाइम लेगा थोड़ा। वो देख सकते हैं मोटर ऑफ हो चुकी है।
तो इस तरह आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और आपके समय के हिसाब से आप ड्रिप सिस्टम है आपके पास, तो आप शेड्यूल भी बना सकते हैं इसका, कौन से शेड्यूल से आप इसे चालू बंद करना चाहते हैं, देख सकते हैं। आप डेट भी डाल सकते हैं, इतने टाइम में सिलेक्ट मोटर को ऑन करना है और सिलेक्ट मोटर ऑफ कितने बजे करना है। तो आज का डेट के हिसाब से आप चालू बंद कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रिपीट एवरी डे करना है, तो टिल करे तो आप 14/7 तक इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इस शेड्यूल पे। तो आप इसको ये तारीख से वो तारीख से शेड्यूल पे चालू बंद कर सकते हैं। तो इसे और मैं आपको जानकारी बताना देना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत सी इसमें खासियत है। और जीके एनर्जी के एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ये देख सकते हैं इस तरह से इसमें नेटवर्क आ जाता है, और ये जीपीएस के थ्रू इसमें जो ऊपर एंटीना लगा है ये वाला, ये आपको जीपीएस सिग्नल प्रोवाइड कराता है। इसमें एयरटेल का कार्ड डला है, आपकी कौन से भी कंपनी का कार्ड डलवा सकते हैं दोस्तों, और आप उसकी और इधर ये साइड का प्रेस करने के बाद में लॉग आउट हो जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैं एड शेड्यूल पे आया हूँ, बाद में इसमें आप नेम आ जाता है आपका, देख सकते हैं प्रोफाइल के ऊपर, इसमें राहुल देशमुख का प्रोफाइल, मोबाइल नंबर, ये हमने 5911 डाला है, एड्रेस 5 वड़गांव, ब्लॉक जालना, डिस्ट्रिक्ट जालना, स्टेट महाराष्ट्र और कंट्री इंडिया, और लैंड होल्डिंग, क्रॉस, सोर्स टाइप, ये पूरा इसमें आ जाता है। आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, लैंग्वेज में जाएंगे, लैंग्वेज में अभी कोई फिलहाल टचअप नहीं दिखा रहा है दोस्तों। तो इतना पूरा इंफॉर्मेशन अपना आ जाता है, और सेटिंग में जाएंगे, पैरामीटर्स आ जाते हैं, तो ये इसमें आपको जाना नहीं है ज़्यादा करके, और ये अपडेट डिवाइस इंफॉर्मेशन होता रहता है, तो ये इकोजिन का ऐसा सिस्टम आ जाता है दोस्तों। तो बहुत से आपने वीडियो देखेंगे चालू बंद मोटर मोबाइल पे चालू बंद करने का, तो आपको ये किसी ने बताया नहीं होगा, ये नंबर पे आपको ये नंबर सेव कर लेना है, 7383411123। मैं पहले से बता देता हूँ आपको, हिंदी में बता देता हूँ, 7388141123, ये जीके एनर्जी का कस्टमर केयर नंबर है। तो इस पे आपको फोन लगाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको जो आपके नाम से ये सोलर पावर है उसी का नाम उसमें बताना है, तो ये कितना किलोवाट का है वो पूरा आ जाता है। और इसके बाद में आपको मैंने बताया उस तरह से मैसेज सेंड करना है, आपका नाम, पता, जिला पूरा डालना है, और उसके बाद में जिस नंबर पे, कौन सा भी मोबाइल नंबर हो आपका, उस पे जिस पे आप इसको चालू बंद करना चाहते हैं, तो उसका नंबर उसमें डाल के सेंड कर देना है। और इस कॉफी को, ये जो नंबर है इसको फोटो स्कैन करके, इसका फोटो निकाल के व्हाट्सएप नंबर पे, ये नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है दोस्तों। फिर उधर से आपको मैसेज आएगा, आपको सोलर सिस्टम आप मोबाइल से चालू बंद करना चाहते हैं हाँ या नहीं, तो आप यस लिख के भेज दे, वाई यस हाँ हमें चालू करना है। और इसके बाद में आपको उधर से लिंक आएगा, तो लिंक पे क्लिक करते ही आप इकोजिन के प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएंगे, तो आप वहां से अपना मोटर चालू बंद कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इतना ही देना चाहता था इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दोस्तों हमें भी ये दिक्कत हमारे सामने आई है और बहुत से किसान भाइयों को आती है, तो ये मेहमान के यहाँ मैं आया हुआ था, तो इन्हें दिक्कत आ रही थी कस्टमर केयर नंबर, बहुत से गूगल के ऊपर ढूंढने के बावजूद भी गूगल पे नंबर नहीं मिल पा रहा मिल ही नहीं पा रहा था, और बहुत दिनों से परेशान थे, और कंपनी वाले को भी फोन लगा के पूछा, तो बोले आज हम कल आएंगे परसों आएंगे, इस तरह से वो काफी इनको बोलते चले गए। तो मैं यहाँ, मेरा आना हुआ कुछ कारणवश, तो मैंने इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरे प्रयास किया, तो ये सक्सेसफुल हो गया, और इसका कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं वीडियो में डालने वाला हूँ, तो किस तरह से हमने बात किया, तो बात करने का कोई जरूरत नहीं आपको, मगर हमने उसमें बात किया था कस्टमर केयर से यही नंबर के ऊपर। तो पहले आप एक दाब के उसके बाद में दो टाइप करके आप बात भी कर सकते हैं कस्टमर केयर से, कुछ आपको दिक्कत है तो यही नंबर के ऊपर आप कस्टमर केयर से बातचीत कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट, आपकी कंप्लेंट हो कोई जीके एनर्जी के बारे में, तो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जीके एनर्जी के बारे में कोई भी कंप्लेंट है आपकी, तो ये नंबर पे 7378411123 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों बताना, और हम जल्द मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।